ठीक है बाकी सब ठीक है, जो भी ये करते ठीक है जो भी ये करते ठीक है। बेस्ट थिंग अबाउट दिल्ली आजकल सारे जो पार्क्स हैं गार्डन्स हैं आई थिंक उनमें ये गार्डन जिम्स बन गए हैं। सो अब टाइटल पढ़ ही लिया होगा। सो आज का जो ब्लॉग है इट विल बी डेडिकेटेड टू माय लविंगली हेटर्स। नॉट एग्जैक्टली हेटर्स, मैं उनकी बात करूँगा जिन्होंने मुझे नेगेटिव कमेंट्स दिए। जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं वो हमेशा हेल्पफुल होते हैं एक किसी भी इंसान के लिए ग्रो करने के लिए। सो आज का ब्लॉग उन्हीं के लिए करते हैं। सो देखते हैं कि क्या कमेंट्स आए मुझे। एंड गाइस आई एम वेरी क्लोज टू माय 1K माइलस्टोन। सो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर देना। और एनर्जी थोड़ी लो इसलिए दिख रही है क्योंकि ये ब्लॉग सेकेंड टाइम शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार शॉर्ट लेके पूरा जा चुका हूँ। घर जाके मैंने देखा कि इसके मेमोरी कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई, देन आई हैव टू कम बैक टू रीशूट अगेन। सो ये थोड़ी सी लो है, ठीक है, देख लेना। ब्लॉगर्स लाइफ यू नो, कमेंट्स आते हैं, रीसेंट कमेंट जो भी लेटेस्ट आए होंगे उससे तब चलते हैं। तो एक कमेंट मुझे आया था, अभी तेरे घर में सबकी पसंद नैनो है क्या? हाँ। सो ये नैनो के बारे में, अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है या आप पेज फॉलो कर रहे हो तो पता होगा मैंने अपनी सिस्टर के लिए नैनो ली थी। तो उस नैनो के अराउंड मैंने वीडियो बनाई थी कि लाइक सेफ्टी के लिए, जो लोगों के क्वेश्चन पे ही मैंने बनाई थी कि लोगों ने जब क्वेश्चन किया अबाउट सेफ्टी और ये सब, तो मैंने ये वीडियो बनाई थी। सो आप देख लेना, आई बटन पे होगी ये। तो उसका ये कहना था, अभी तेरे घर में सबकी पसंद नैनो ही है क्या? सो पता नहीं सबकी पसंद नैनो है कि नहीं है। नैनो गाड़ी लेनी थी, हमने ले ली, गाड़ी अच्छी है, बड़ी है। अगर इस बारे में आपको जानना है तो जाके मेरे वीडियो के साथ कमेंट सेक्शन पढ़ो, लोगों ने बहुत तारीफ करी है गाड़ी की। सो एक और इसी बंदे का कमेंट है, पहले अपने हेयर ठीक कर ले, कार बाद में ले लेना। तो बाल तो ठीक ही है, वो कार और बाल का लेना देना क्या है वो समझ में नहीं आया, लेकिन ठीक है, पहले बाल ठीक कर लूँगा, अगली बार गाड़ी लेने से पहले, ठीक है भाई। सो एक वीडियो थी टिप्स टू बाय अलॉयज एंड टायर्स, जो मेरी शेवरले बीट के ऊपर थी। सो आई बटन, सो उसमें कमेंट था, थोड़ा कम बोल भाई वीडियो में और ख़ुद को थोड़ा कम दिखा वीडियो में। वीडियो में दो बार उसने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, ये देखो उसने लिखा है। सो ही वॉन्ट्स कि मैं बिना दिखे ही बात करूँ। हाँ, क्या था, थोड़ा कम बोल भाई वीडियो में और ख़ुद को थोड़ा कम दिखा, ठीक है, ठीक है, ऐसे। चलो ठीक है, जो भी है। ये ओवर एक्टिंग वाला भी आया हुआ मुझे कमेंट, देखते हैं अभी लाइन में आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो कई लोग बहुत मेरा ख्याल रखते हैं, थैंक्स लॉट गाइज, जो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं अबाउट माई हेयर्स एंड ऑल, कि मैं ठीक रहूँ। तो उसने लिखा, इतना बालों में हाथ लगाता है, सारे झड़ जा रहे हैं, झड़े जा रहे हैं बाल, देखा होगा उसने कैसे झड़ते हुए। दैट्स अनॉइंग एज अ व्यूअर। तो एज अ व्यूअर आई रियली अप्रिशिएट कि आपने मुझे कमेंट लिख के बताया एटलीस्ट कि आपको क्या चीज़ अनॉय कर रही है, क्योंकि मैंने वो चीज़ ठीक करी है। मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ देख लेना भाई एक बार। सो लेटेस्ट वीडियो देख लेना, आपको पता है आप कौन हो। सो आपको शायद मे भी कुछ सही दिखे तो उसमें भी कमेंट कर देना, अगर कुछ इंप्रूवमेंट दिखती, क्योंकि लोगों ने इस बारे में भी मुझे कमेंट करके बताया है कि ये चीज़ चेंज हुई है मुझ में। सो थैंक्स टू दोज ऑल्सो। सो आगे चलते हैं, बोर हो गए ना इधर से, थोड़ा चेंज करते हैं। सो आई होप फोकस हो रहा होगा, हो रहा है क्या? नहीं भी हो रहा तो थोड़ी देर काम चल जाएगा, ठीक है। सो एक भाई है मेरा भाई ही बोलेंगे ऑब्वियसली। सो उसका डोंट बाय टाटा नैनो वाले में कमेंट आया था, कि उसका कमेंट क्या था, उसका कमेंट था अच्छा, ये थोड़ा हमारा बॉलीवुड का फ़ैन है भाई, तो डायलॉग मारा है उसने, एक अच्छे कार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। टाटा नैनो को, ठीक है, शर्म नहीं आती आपको? आपको देख के लगता है आपने ड्रैग लेते हो। सो आप ड्रैग लेते हो यार, बड़े आए ब्लॉग बनाने वाले, पहले अपने चाल और अंदाज चेंज करो, उसके बाद आना ब्लॉग बनाने। अंदाज कैसे करें, अंदाज ठीक है थोड़ा सा। तो एक अच्छे कार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? आपको देख के लगता है ड्रैग लेते हो आप, बड़े आए ब्लॉग बनाने वाले, पहले अपने चाल और अंदाज को बदलो। भाई ने लिखा, मैंने नहीं बोला। सो
सो थैंक्स टू दोस्त जो मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए फीडबैक भेजते हैं, आई रियली अप्रिशिएट दोज कमेंट्स और आई होप मैं उन्हें फॉलो भी करता हूँ। सो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करना अगर आपके कमेंट को मैंने फॉलो करके अगली वीडियो में इम्प्रूवमेंट करी हो तो, क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स हर कोई करता है। दूसरों की गलतियाँ निकालना तो हर किसी को पसंद है भाई। सो कई बहुत कम लोग होते हैं जो गलतियाँ निकालते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। सो आप लोग जो मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए बताते हो आपकी वीडियो में मैं लाइक कर दूंगा, आप वीडियो डाल देना। सो एक बंदे का कमेंट था, डोंट वेस्ट अदर्स टाइम। यार तूने वीडियो को देख ली यार, उसके लिए मैंने इसको रिप्लाई कर दिया था। मैंने कहा थैंक्स अ लॉट, आई होप यू हैवंट वेस्टेड योर्स, कि आई होप तूने भी टाइम नहीं ख़राब किया होगा ज़्यादा देर देखने के लिए, और अगर किया भी हो तो आई एम रियली सॉरी यार, और सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब कर लेना, आई डोंट वॉन्ट कि आपका टाइम और भी ख़राब हो। पॉजिटिव कमेंट्स वालों को यार मैं भूला नहीं हूँ, आप लोग तो स्पेशल हो ही, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वो लोग ज़्यादा मोटिवेट करते हैं शायद से, पॉजिटिव वाले भी करते हैं, पॉजिटिव वाले भी करते हैं। सो आप लोगों के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जो पॉजिटिव कमेंट्स जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। सो 1K पूरे होते ही सो आप सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया होगा। हाँ सो नेक्स्ट कमेंट लेते हैं हम, यार नाम नहीं ले रहा ठीक है ना, सो जिसको उसका कमेंट पहचान में आ जाए तो बेटर है ठीक है। सो आप लोग कमेंट नीचे भी कर सकते हो अगर आपको बुरा लगा है तो, आई एम रियली सॉरी, जो भी हो कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे लगा था कि हेटर्स आर स्पेशल, तो उन लोगों को मैं थोड़ा सा स्पेशल फील कराऊं ठीक है। सो एक बंदे का मुझे कमेंट आया, ध्यान से सुनना, बहुत स्पेशल कमेंट है। उसने लिखा मैड, क्यों लिखा है ऐसे यार, ऐसे तो कुछ भी नहीं किया था मैंने, नॉर्मल वीडियो थी यार, बुरा लगता है। चलो इसको मैंने रिप्लाई भी किया था, वाई, सो वाई यही मैं अभी पूछ रहा हूँ। तो ब्रो अगर आप देख रहे हो ना तो मुझे पता तो क्यों अपने मैड बोला था, मैंने वाई किया हुआ है आपको, आपको पता होगा ठीक है। सो ये रहा ओवर एक्टिंग वाला। सो यार 50 बार बाल सुधारता है और ओवर एक्टिंग टाइप की कर डाला भाई, यार ओवर एक्टिंग, मैं एक्टर तो हूँ नहीं ठीक है, फिर भी आई ऑलवेज ट्राई कि आप लोगों को थोड़ा एंटरटेन करने की कोशिश तो करता ही हूँ। सो थोड़ा बहुत एक्टिंग कर देते हैं तो ओवर एक्टिंग हो जाती है, आई एम रियली सॉरी। नेगेटिव कमेंट था बस बता दिया मैंने, मोटिवेट ही किया आपने भाई, थोड़ा सा कोशिश करिए नहीं करने की, अगर कर रहा हूँ अभी भी तो कमेंट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी यू आर मोर इरीटेटिंग दैन द कार, नैनो का इरीटेटिंग यार, दुनिया तो पागल हो रखी नैनो के पीछे, आई थिंक यही होता है जो ज़्यादा इरीटेट करता है लोग उसके पीछे पागल हो जाते हैं शायद से। आई एम मोर इरीटेटिंग दैन नैनो, ये बताने की कोशिश करी भाई ने। आई जस्ट गॉट न्यू सब्सक्राइबर, थैंक्स, चलो इनको तो कर ही देते जिसने अभी सब्सक्राइब किया। एंड्रॉयड गेमर, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, अभी आपका नोटिफिकेशन आया। सो ये मैंने एक नया स्टार्ट करने की सोची है कि जब भी मुझे कोई व्लॉग करते हुए नोटिफिकेशन आया करेंगे सब्सक्राइबर्स के, तो मैं उनको फीचर करूँगा। सो एंड्रॉयड गेमर थैंक्स। सो बैटरी फिर से ख़त्म होने वाली है कैमरे की, सो उससे पहले ख़त्म होने से पहले व्लॉग ख़त्म करते हैं। सो एक कमेंट आया जब बीट मैट मैकेनिक पे द बिगनिंग पे आई बटन, तो उसमें कमेंट था तू कार का प्रॉब्लम बता रहा है या खुद को दिखा रहा है। यार अगर मैं कार के बारे में बात कर रहा हूँ फिर वही वाली बात है ना, खुद को कम दिखा वाली, तो मैं आपसे बात करूँ जैसा अभी कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं हूँगा तो कैसा लगेगा आपको, ऐसा कुछ लगेगा पता, अब मैं खुद को नहीं दिखाऊँगा तो पता मैं किससे बात कर रहा हूँ भाई, तू ही बता दे। चल यार एक ना बहुत इंटरेस्टिंग जो टाइटल में भी मैंने यूज़ किया है, ग्रीकी रंजीत के वाई हो, क्या नाइस वीडियो, ग्रीकी रंजीत के वाई हो, शायद ये बोलना चाह रहा है भाई गीकी रंजीत, गीकी रंजीत के भाई हो क्या, या गीकी रंजीत मैंने कभी देखा नहीं वीडियो, लेकिन जब भाई ने लिखा और इससे पहले भी एक बार ऐसे कमेंट आया था लगता हूँ क्या। सो जो जो गीकी रंजीत को फॉलो करते हैं मुझे प्लीज़ कमेंट करो कि मैं गीकी रंजीत का भाई लगता हूँ क्या, और बाई चांस अगर गीकी रंजीत आप ये वीडियो देख रहे हो सो आपका भाई यहाँ पर बैठा है यार, कुछ हेल्प कर दो थोड़ी, शाउट आउट जैसा कुछ, आई एम जोकिंग।
तो ये कमेंट मुझे बहुत आया था इसलिए मैंने मेंशन किया गीकी रंजीत का भाई हो क्या, मुझे तो लगा नहीं, मैं देखने में एक जैसे हम दोनों, कोई फीचर्स आई थिंक मैच कर दूंगा मे बी, लोग कह रहे हैं तो होगा ही कुछ ना कुछ तो। तो सर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको भाई हूँ, छोटा भाई। चलो एक पॉजिटिव कमेंट बीच में डाल देते हैं, अगली बार का टीज़र हो गया, जो अगली बार मैं पॉजिटिव कमेंट की वीडियो बनाऊँगा उसके लिए। सो इस भाई का नाम लूँगा मैं विशाल वर्मा, पॉजिटिव वालों को नाम लेंगे ताकि उन लोगों को स्पेशल, ऑब्वियसली उनको ज़्यादा स्पेशल फील होना चाहिए। सो ही मैंशन दैट ऑसम वर्क डन बाई यू ब्रदर, रियली ग्रेट एंड ग्रेट एफर्ट डन बाई यू। सो लाइक लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स मोटिवेट बहुत करते हैं एक्चुअली ये बैलेंस करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं अगर पॉजिटिव भी आते हैं तो आपको हेल्प होती है कि लाइक यार लोगों को कुछ अच्छा भी लग रहा है, सो आगे की वीडियोज़ बनाने में मज़ा। और जो लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स ऐसे लिखे हैं अबाउट द क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, माई पर्सनैलिटी, जो ऐसे जिसमें जिन्होंने मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए कमेंट लिखे हैं, वो लोगों को तो मैं मेंशन अभी नहीं कर रहा, कुछ कर लेते हैं फिर मेंशन करेंगे जिन लोग। सो वीडियो जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि बैटरी भी ख़त्म हो रही है और मेमोरी कार्ड में स्पेस भी ख़त्म हो रही है, बार बार बाल को हाथ लगाता है, बालों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं, ठीक है। तो उन लोगों को मैंने ध्यान रखा है, आई होप आगे मैंने बाल को हाथ नहीं लगाया और ये इम्प्रूवमेंट आई हो। एक भाई ने कमेंट लिखा, भाई तो गाड़ी का रिव्यू कर रहा है कुछ नहीं जानकर। मैंने रिव्यू कभी नहीं करे, मैं रिव्यू जो भी अगर रिव्यू वर्ड यूज़ करता हूँ तो मोस्टली वो इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि एज अ यूज़र, एज अ कंज्यूमर आई थिंक मैं बात करता हूँ कि मैं गाड़ी को कैसे देखता हूँ। सो रिव्यू नहीं करें, तो नॉलेज भी जो है वो वैसी होती है आप लोगों को होती है स्टार्टिंग में। मोस्टली मैं जैसे कहीं पर भी जाता हूँ उन्हीं लोगों से नॉलेज लेता हूँ या गूगल से लेता हूँ। सो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा और इम्प्रूवमेंट्स लेके आऊँगा पर्टिकुलरली रिव्यू वाले सेक्शन के लिए। सो थैंक्स फॉर द कमेंट ब्रो, ठीक है, इम्प्रूवमेंट करने की ट्राई करूँगा बस। सो ये बहुत लेटेस्ट कमेंट्स हैं, बहुत इनिशियल वाले, आई थिंक मुझे 6 मंथ से ऊपर हो चुका है चैनल स्टार्ट करे हुए, सारे कमेंट्स नहीं दिखा सका, सो लेटेस्ट वाले हैं, ठीक है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, एक सेकेंड। सो एक्चुअली कैन यू सी पीछे मंकी, सो मंकीज होते हैं यहाँ पे। मैं डर रहा हूँ भाई, मैं डर गया भाई, मैं डर गया, बेचारे के पैर पर लगी हुई है। सो ज़्यादा पंगे नहीं लेते, जल्दी ब्लॉग ख़त्म करते हैं क्योंकि घर में भी कुछ काम है, ठीक है। 4 मिनट का ही यार, क्या मेमोरी कार्ड ही फिल हो गया, तो बहुत बेकार बंदा है भाई, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखा कर, बैटरी का और इसका, क्योंकि ऐसा कुछ कर दिया जाए पीछे।